आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दैट राइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज रुपीज 45 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर ऑफ रुपीज 150 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज रुपीज 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, रुपीज 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन 15,000, यानी कंपनी ने ऑफर कितना किया पब्लिक में, 15,000 इक्विटी शेयर। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। प्रिपेयर द एक्सेप्ट द बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर द शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। डिस्क्लोज द एबव इंफॉर्मेशन, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। ओके, अब देखते हैं सुहानी कंपनी, सुहानी लिमिटेड ने कितने शेयर का था, 45 लाख का था। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। अब बैलेंस शीट में कंपनी का किसका है, किसकी कंपनी का बनाना है, सुहानी लिमिटेड का। तो बैलेंस शीट ऑफ किसका हो गया, ये ऑफ किसका है, यहाँ पे सुहानी का, सुहानी लिमिटेड। अब एज एट डेट कुछ नहीं दिया है, तो 31 मार्च ईयर एज ए क्वेश्चन के बेसिस पे, ईयर 31 मार्च 2014, 15, 16 एनी। ओके, अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल कितने की है, 45 लाख के, जो कितने शेयर पे डिवाइडेड है, 30,000 शेयर पे। तो पहले नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के हेड में पहला क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल, यानी यहां पर लिखा 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 150 ईच। तो कितना आ गया यहां पे, 45 लाख, 45 लाख। ओके, कंपनी ने ऑफर कितना किया, इनवाइट कितना किया प्रोस्पेक्टर, 15,000 शेयर के लिए। ओके, तो 15,000 शेयर है, तो 15,000 यानी इशू कर लिए 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 150 ईच, यानी टोटल कितना, 22,50,000 ये ऑथराइज करता है। पब्लिक ने अप्लाइड किया है, फुली कॉल्ड अप किया हुआ है, यानी पूरे का सब्सक्राइब किया हुआ है, कितने का, 14,000 के लिए। तो 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 150 ईच। ओके, 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 150 ईच, तो टोटल कितने आ गए यहां पे, 21 लाख। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ऐसा कुछ है नहीं कि कॉल इन एरियस हो या कंपनी ने कम कॉल किया हो, इसमें तो कुछ आएगी नहीं। अब आता है रिजर्व एंड सरप्लस की कंडीशन में, रिजर्व और सरप्लस क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखो यहां पे, तो यहां पे कुछ डायरेक्टर का है नहीं, अदर का है नहीं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहां से। ओके, अब नेक्स्ट आती है क्या इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस। हेड क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अब इसमें क्या आएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी कंपनी ने प्रीमियम पे यूज किया है, तो इसको हम लोग क्या कहा गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम।
सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कंपनी के एक शेयर की प्राइस कितने की, प्रीमियम कितने का है, 10 रुपए का है, तो यहां पे कितने से आ गया, 14,000। 14,000 क्यों लिया, क्योंकि सब्सक्राइब कितना हुआ, 14,000 इनटू एक शेयर की प्रीमियम कितने का था, 10 रुपीज का, तो कितना आ गया, 14,000 इंटू 10 किया तो यहाँ पे कितने आ गए, 1,40,000। ओके, ये अमाउंट तो यहां पर लिख दिया 22,40,000, और कुछ था नहीं यहाँ पे। अब यही अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट में, क्या अमाउंट आएगी, 22,40,000। ये जो 22,40,000 है ये किस हेड में आएगा, शेयर कैपिटल में कितनी आएगी आपकी, 21,00,000, जो 1 के हिसाब से है, और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आ गया, 1,00,000, नंबर 2 है ये आ गया आपकी नंबर टू के हिसाब से कितना आ गया, 1,40,000। ओके, ये आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट एक अदर एग्जांपल लेके करेंगे, जिसमें कॉर्पोरेट की बात करेंगे हम लोग उसमें। ओके, एंड आउट।